परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक नागरिक के घर पर एक गुमानी दास नाम के संत आया करते थे और उस गुमानी दास संत का नारनौल से आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर आश्रम बना रखा था और वहां वो हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीना रुक कर जाया करते थे, चलते फिरते। दूसरी जगह भी आश्रम बना रखे थे। एक दिन उसने अपने पड़ोस में, वो गुमानी दास जी उस नितानंद जी के पड़ोस में बिल्कुल 1-2 मकान छोड़कर वहां सत्संग करने आई हुई थी और सत्संग के अंदर विचार दिए जाते हैं, ये ज्ञान कराया जाता है कि तू कौन है, कहां से आया था, आप जी का उद्देश्य क्या है, आप कर के रहे हो। तो प्रत्येक व्यक्ति जब तक परमात्मा के ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं होता, अपने जिस भी कर्म को कर रहा है उसको श्रेष्ठ मानता है। जैसे कसाई बकरे पालता काटता है, पशु काटता है, हिंसा करता है, तो अपने काम को गलत नहीं मान रहा हो। जिस दिन उसके हृदय में ये पता लग जाएगा तो जुल्म कर रहा है, उसके बाद उसकी वो कर्द उठा को नहीं। इसी प्रकार जो भी जो कर्तव्य कर रहा है उसको सही मान रहा है अपने पैमाने से, अपने दृष्टिकोण से। तो नित्यानंद जी ने वो सत्संग सुना कि भी 2 दिन का जीवन है, ना जाने कब मृत्यु हो जा। और फिर उसको अपनी याद आई कि मेरे माता पिता दोनों मर गए, उन्होंने हमें चाह से जन्म दिया था और सोचा था अपने बच्चों को पालें पोसेंगे, बुढ़ापे में मैं सुख होगा, और वो जाते रहे, उनकी मृत्यु होगी। तो वह एकदम हृदय में उथल पुथल माच गई। रात का समय था, छत पर बैठकर, गर्मियों का मौसम था, छत पर बैठकर पूरा सत्संग सुना। रात्रि की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है और थोड़ी सी दूरी की आवाज़ ऊपर आसानी से सुनाई देती है। उस संत जी ने बहुत से उदाहरण दिए। सर्व सोने की लंका होती रावण से रण धीरम, एक पलक में राज विराजीव जमके पड़े जंजीरम। मन तो सुके सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे, दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर बाई, 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद ना खाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण कह दीवान बाती। क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जाई। अब इस तरह की जो व्याख्या उसने सुनी, कलेजा हिल गया उस, वो पुण्यात्मा थी। पुण्यात्माओं सत्संग का असर, सत्संग के वचन उन्हीं पुण्यात्माओं पर शीघ्र असर करते हैं जो पूर्व जन्म से भक्ति करते हुए आ रहे हैं, और पूर्व जन्म में भी वो मानव ही थे। जड़ दुनी से आए हुए प्राणी सत्संग सुना नहीं करते और उसमें 100 प्रकार के दोष निकालते हैं और अपने कर्तव्य को जो सारा दिन गपोड़ मारे, ताश खेले, सारा शराब पी होके पाड़े और केवल राजनीति की या इधर उधर की गप्पे मारे, और वो भी संतों को बुरा बताते हैं, कहते हैं वो तो काम को ना उन, वो तो ठाली हैं, यानी निकम्मे हैं, धक्के खाते अंडे हैं, सत्संग मजा जाते हैं।
और स्वयं शराब पीते हैं, गर्मना जाने कितना नुकसान करते हैं, सारा दिन गप्पे मारे हैं, सारे पाप कुमावे, वो भी संतों भक्तों को बुरा बताया करते, क्योंकि वो पशु जूनी से आए हुए प्राणी हैं, उनको भगवान की चर्चा अच्छी लग ही नहीं सकती। लग भी सकती है लेकिन बहुत अधिक प्रयत्न की आवश्यकता, मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, असंभव नहीं है। लेकिन एक आम साधारण मनुष्य की तरह यानी अच्छी आत्माओं की तरह उसी घर नहीं कैच कर सकते, उनमें इतना अंदर जगह नहीं होती। और कहते हैं जो पुण्य आत्मा होती है, एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, एक के शब्द की यानी वचन की एक ही झटके में सुधर जाते हैं, अपना क्रियाक्रम पलट लेते हैं जिनको परमात्मा पाने की इच्छा होती है। अब नित्यानंद जी को सारी रात नींद नहीं आई, न सोचा है भगवान ये के जीवन है, दिन में धंधा करो, सुबह खाओ, दिन में खाओ, शाम न खाओ, पढ़कर सो जाओ, फिर उठो, फिर खाओ, सारा धंधा करो, फिर मर जाओ, इसी तरह इसी प्रोसीजर में मर जाओ। और पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री के कौन गणे अशो गुयंत। तो उस नित्यानंद जी को नींद नहीं आई, सारी रात सोचता रहा अब क्या करूं। एक काल ने पुण्यात्मा जो है ये ऐसे जगह पर जन्म देता है जहां से निकलना आसान नहीं होता, जैसे मीराबाई जी को ऐसे जगह जन्म दे दिया कि घर से बाहर नहीं निकलने दे लड़कियों को ठाकुर लोग, लेकिन भक्ति की शक्ति वो उमंग आत्मा में उसको कोई रोक नहीं सकता, फिर भी उसने सब जंजीरों को तोड़ा, मर्यादा को तोड़ा, परमात्मा को चाहा, वो सफल हुई। अब नित्यानंद जी ब्राह्मण कुल में जन्म, और फिर ये सोचा कि मैं तहसीलदार दूसरा और अहंकार, तहसीलदार बहुत बड़ा साहब होता है, उस समय तो विघ्न था, और ब्राह्मण, और फिर एक सोची कि इस संत से मैं नाम लूं, इसे उपदेश लूं, अपना कोई मार्ग पूछूं, फिर सोचा कि मैं अगर यहां जाऊंगा सत्संग के अंदर इनके घर पे तो मेरा बेइज्जती हो जाएगी। उसको ये पता करा उसने कि ये संत कहाँ रहता है, अपने नौकरों से पूछा, उन्होंने पता करके आए, पता चला कि ये यहीं 1-2 किलोमीटर की दूरी पर आश्रम बना हुआ है और यहाँ संत रहते हैं। नित्यानंद जी ने सोचा कि सुबह सुबह जाऊंगा बखत से और इस महाराज जी के पास दीक्षा लेकर आऊंगा, अपना कल्याण करा लूंगा, तब तक नगर का कोई व्यक्ति वहां गया नहीं होगा, कोई मुझे देख नहीं सकेगा, मेरा मजाक ना उड़ाओगा, ब्राह्मण होकर और गुरु बनावे, क्योंकि ब्राह्मण तो अपने आप को जगत गुरु मानते थे। ऐसा ही किया, सुबह उठा, नहा धोकर घोड़ा दिया, घोड़े पर सवार होकर चला, वो जा रहा था और वो महाराज जी गुमानी दास जी अपना सैर सपट्टे को अपने आश्रम से निकले थे सैर सपट्टा करने को, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश मूड में थे, फ्रेश होने जा रहे थे, सिर पे जो रात्रि में सिर पे कोई कपड़ा बांध रखा था उसने, और सुबह जब घूम रहे थे वो कपड़ा उतार दिया था और उसने कचकोला कढ़ा रखा था, यानी उस तरह फिरा रखा था गुमानी दास जी ने। अब नित्यानंद जी ने देखा कि सामने से ये व्यक्ति आ रहा है और ये ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ये सोन को सोन गणा मान्या करे। अब उसने सोचा भाई यू तो आज मैं जाऊं था अपने आत्मा का कल्याण कराने, यू मन उस सुबह सुबह कीता आ गया उस तरह फिरा के मेरे आगे। अब आप पे सोचा कि नाम तो आज लेके आऊंगा, इतनी प्रेरणा थी अंदर, फिर सोचा कि इस जो का आग्रह उस सोन कसोन को या निष्क्रिय करने का को आप तरीका ढूंढ लिया, घोड़े के पास घोड़ा निकट आकर रुक गया,
वनु आ रहा था वो गुमानी दास, रुपये चाड़ने नहीं था नितानंद। घोड़ा साथ में रोक लिया और वो महात्मा जब साथ का निकलन लग गया, उसके सिर में ऐसे टोले मारे नो कट कट कट, नो बोला मनुष किता मेरा सुबह सुबह तो मैं तब नाम लेने जाऊं था, मैं तो अपना कल शुभ काम के लिए जाऊं था, तो सुबह सुबह कित मर गया गए सिर में नो मारे टोल ये कट्टा कट, और नो कह आगे चल पड़ा। अब गुमानी दास जी ने देखा भाई आदमी दिखा यो सब वैसा, अरे यो के करे इसने मेरी गेल, फिर सोचा के माथा मारा इसे करा, कितने मिल रहे हैं, सौ तरह के संतों ने तो अच्छे बुरे सब तरह के व्यक्ति टकराया करे, वो चला गया। उसकी क्रिया में सोचता रहा कि बात नहीं कोई पागल नहीं, अच्छा सभ्य आदमी दिखे कोई अधिकारी दिखाई देता, ये नो के कर गया मेरी गेला, वो चला गया। और नितानंद जी वहां पहुंचे आश्रम में, एक वृक्ष थे उसका घोड़ा बांध दिया, आगे पहुंचा आसन लगा हुआ था महाराज जी जहां कर बैठते थे, कुछ और नीचे दरी वरी बिछा रखी थी जहां सेवक बैठा करते हैं। आश्रम में दो चार भक्त रहते थे, वो आए कहा आओ जी कहां से आए कौन हो, उसने अपना परिचय बताया, किस उद्देश्य से आए हो कारण बताया, मैं उपदेश लेने आया हूं, आज रात्रि में मैंने सत्संग सुना था और मुझसे डटा नहीं गया, तो बड़े खुश हुए भगत, बड़े खुश हुए सेवादार, करने के बैठ जाओ भगत, गुरुजी अभी स्नान करने गए हैं अभी आ जाते हैं, वो बैठ गया। और महात्मा जी सैर सपट्टा करके आकर नहा धोकर वो वहां आसन पर आकर बैठना ही था उन्होंने तय, यूं तो वो नितानंद जी बैठा और महाराज जी आकर बैठ गए सामने कति 3 फुट की दूरी पे। जब नितानंद जी ने देखे तो वो आदमी है भाई जिसका मन ने रास्ते में छेड़छाड़ करी थी और अंदर में बड़ा दुखी हो गया कि मैं बड़ी गलती करी बनता है, ये तो महाराज जी थे, अपने आप को कोस रहा नीची गर्दन कर ली दू, अब देखा कोई ना के बोल रहा के कहो है, अब जाएंगे गुमानी दास जी भी आदमी तो वो है वे रास्ते में छेड़छाड़ करे था और ये घोड़ा बंध रहा, सेवकों ने बता दिया था जी एक बहुत अच्छा आदमी है नाम लेना आ रहा है नगर का अच्छा अधिकारी बताओ है। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए भी अच्छी बात है अच्छे आदमी भी नाम लेते अच्छा है, तो निकट आके जानगे कि तो ये है खरा जो रस्ते में छेड़छाड़ करे था। 5-4 भक्त बैठे थे, नितानंद जी सामने बैठे थे, नंदलाल नाम था इनका पहले, नितानंद बाद में चेंज किया गया। तो महाराज जी ने सोचा शर्मा गया आदमी, ये बच्चा शर्मा गया, शर्म महसूस कर रहा है लज्जा कर रहा है, कहने लगा भाई बच्चों, उस नितानंद जी से कहने लगा बेटा हम एक दो अन्य का पहले अन्य होया करते और 16 अन्य का 1 रुपया होया करता, कहने लगे हम 2 अन्य का घड़ा लेने जाते कुमार के और उस घड़े को नु बजा के देखा कर ये कितने तो लूजते नहीं से, और बेटा शर्मावे ना आपने गुरुजी बजा के देख लिए जिंदगी का सौदा करना आया था तू, अब गुरु को बजा के देख लिया बेटा कोई बात ना, कल ही दुख ना माने लज्जा मत कर। पैर पकड़ लिए नितानंद ने उस तहसीलदार जी ने बोले महाराज माफ कर दो हमारे अंदर ये निरा कबाड़ भर रहा क्या सोन को सोना का, हम जिस समाज में रह रहे हैं वो वहां पर ये इंजेक्शन लगे और मैंने न सोचा था मैं आज नाम लेने जा रहा हूँ अपने जीवन का सौदा करने जा रहा हूँ कल्याणार्थ जा रहा हूँ और आगे तो ये मुंड मुंडा का आ गया मेरी जो ना अपशकुन हो गए और आपका मन में सोच लिया 2 टोले मार दूंगा अपशकुन खत्म हो जाएंगे तो इसलिए मैंने 2 टोले मार दिए आपके मुझे माफ कर दो। बोला बेटा कर दिया माफ, जब तू समर्पित होकर आ गया तो माफ हो गया, संत तो दुश्मन ने भी माफ कराया करे, आप तो उद्देश्य अच्छा लेकर आए थे।
अब ज्यादा ना कहें, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। भक्ति वो कर रहा था, ज्यादा लगाव अपने गुरुदेव में हो गया था, अधिकतर सत्संग में ही आ जाता था, अपनी ड्यूटी सेवा करके वहीं पहुंच जाता था। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी की अचानक मृत्यु होगी, रिजाइन कर दिया नौकरी से। क्या के सांग है भाइयों, एक मिनट में ना बेरा के बिजली पड़ जा, पीछा छुटवाएंगे यहां से। गुवानी दास जी से कहा कि गुरुदेव मैं अब ना नौकरी करूं ना घर पर रहूं, आपके साथ रहूंगा। गुरुजी बोले भाई मेरे साथ कब तक रहेगा, मैं तो बूढ़ा आदमी हो रहा हूं और 10 साल में मेरी मृत्यु हो जाएगी, बता मेरे साथ कहां तक रहेगा, अपनी भक्ति कर नौकरी भी कर। बोला जी ना हुआ नौकरी भी और आपकी जो आज्ञा होगी। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है तू अपनी भक्ति कर और इधर चला जा। वो इधर आ गया हरियाणा में, हरियाणा में तो था, इधर आ गया ये दादरी के आसपास। यहाँ एक बहुत बड़ा जंगल था, 4-5 गांवों की सीमा इकट्ठी लगती थी, दुबल धन माजरा इधर बास और ये बिगोवा या कई गांव हैं। तो उसको जटेला जोड़ कहा करते, जटेला वहां रहा करते थे, जटेला तालाब वो क्षेत्र का नाम जटेला बोले थे, तो वहां रहा करते थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, दो ये शब्द बोले, ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया को बद गढ़ तोड़े। कहते ब्राह्मण कुल में जन्म था, रांडी पा क्या आंडू था, बहुत गर्व किया करता था, अभिमानी था, मैं अभिमान किया करता था कि हम सबसे ऊंचे कुल में जन्म है। और दूसरे फिर तहसीलदार, दूसरा ये और बेगन अधिकारी होकर और गणांडी पाक जहाद में थोड़ा सा ठीक सी पोस्ट हो जाए तो भगवान से कोसों दूर हो जाता है। अब क्या बताते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था और करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। वो कुबद का गढ़ वो किला हमारा समाप्त कर दिया, ऐसा ज्ञान दिया निर्मल, अभिमान नहीं रहा। तो पुण्यात्माओं, जब से ये आत्मा परमात्मा से विमुख हुई है उसी दिन से उसकी खोज में लग चुकी है। असंख्यों युग हो गए, असंख्यों जन्म हो लिए, उस परमात्मा तक पहुंच नहीं पाई है। और जब तक ये आत्मा परमात्मा से मिल नहीं लेगी, वहां पहुंच नहीं जाएगी सतलोक में, तब तक न तो ये सुखी हो सकती और न ही इसकी भक्ति की इच्छा समाप्त हो सकती। इसलिए ऐसी ऐसी पुण्यात्मा भी इन नकली गुरुओं के जाल में फंस के यहीं रह गई। इतनी सैक्रिफाइस, इतनी सच्ची लगन होते हुए भी नित्यानंद जी केवल स्वर्ग तक पहुंच पाए, क्योंकि इनको पासपोर्ट बनाने वाले ही स्वर्ग तई के थे। और नित्यानंद जी उसी साधना को सही मानकर, और जो गुरुजी ने रास्ता बताया, जो साधना बताई, उसी से सुख सागर प्राप्ति मानकर बेगमपुर, जहां कोई दुख ना हो, बेगम बिना गम का बिना दुख का स्थान, अब वो बेगमपुर है तो सतलोक। और नित्यानंद जी जान रहे थे कि स्वर्ग ही बेगमपुर है, क्योंकि वैष्णु साधु से उपदेश था, विष्णु जी का उनका इष्ट था, तो विष्णु जी की साधना करने वाला विष्णु लोक को ही जाएगा, पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। अब ये तो एक इनकी कहानी सुनाई कि भाई जिन्होंने परमात्मा के पाने की चेष्टा की तो उन्होंने
आगा पीछा नहीं देखा, हमने ये देखना है कि उन्होंने ना कोई कुल देखा, जाति नहीं देखी और ना ही समाज के रीति रिवाजों की तरफ जान दिया। तो पुण्यात्माओं, अब नित्यानंद जी विष्णु जी के उपासक थे। आज सुबह के सत्संग में आप जी ने सुना था, परमात्मा की वाणी है कबीर परमेश्वर जी की, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम रटते रहो, परमात्मा के नाम का जाप करते रहो आखिरी श्वास तक। अब पुण्यात्माओं, सुबह सत्संग में आपको क्लियर किया था कि किस तरह कौन से भगवान का नाम जाप करें और उस भगवान का वो नाम क्या है। परमात्मा की परिभाषा भी बताई थी कि तीन लोक के राम कहो, स्वामी कहो, प्रभु को तेसाब कहो। तीन लोक के राम हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रभु स्वामी, एक एक विभाग के मंत्री हैं समझो। एक ब्रह्मांड में तीन लोक, वैसे तो 14 लोक हैं, वो इन तीन लोकों से भी अलग हैं, वहां इन ब्रह्मा विष्णु महेश का आधिपत्य नहीं है। इस पृथ्वी लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर, इन तीन लोकों में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं, राम हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। इनके पिताजी 21 ब्रह्मांड के राम हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं, साहब हैं, और उसको ओ ब्रह्म कहते हैं। और परब्रह्म जो इससे नेक्स्ट ब्रह्म है, काल से नेक्स्ट ब्रह्म परब्रह्म, वो सात संख ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, राम है। और परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मैं जो ज्ञान बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो, उसके बाद उनसे ज्ञान पूछो, तो जिनको उस तत्व उस आधार से तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत जिनको ये ज्ञान हो गया उस तत्ब्रह्म के बारे में, तत्ब्रह्म और अखिल यानी सारे अध्यात्म ज्ञान के बारे में, सभी कर्मों के से वो परिचित हो गया, उसके पश्चात वो व्यक्ति, वो साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मीन बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। इस जीव को सबसे बड़ा कष्ट बुढ़ापा होता है और दूसरी मृत्यु। पुण्यात्माओं, कितना वृद्ध आदमी हो जा जिसको ज्ञान नहीं, वो मृत्यु नहीं चाहता। कितना दुखी हो जो दोनों टांग कट रही हो फिर भी जीवन चाहे, दोनों हाथ भी कट रहा हो, कितना ही दुखी हो फिर भी ये सोचता है मेरा जीवन बना रहे, किसी प्रकार मैं जिंदा रहूं। ऐसा क्यों? और ये मालूम है कि मृत्यु निश्चित है, ये भी नहीं पता कब मृत्यु हो जावे, फिर भी हम मरना नहीं चाहते। नहीं, हम डेली देखते हैं भाई, एक परिवार के जैसे आते हैं समाचार पत्रों में, एक एक्सीडेंट में 14 मर गए और 7 तो एक का परिवार के मर गए, उस परिवार में रह गया कि फिर, लेकिन हम फिर भी नहीं चाहते हम भी मरे। और ये मालूम कि डेफिनेट मरना कति मन में नहीं रुकनो, अति बेसिक मर जावा डर रहता है। क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हुए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी, अब मरना हमें अच्छा सा नहीं लगता। तो इस प्रकार ब्रह्म ने यह बताया कि उस अर्जुन को कि जब तक मैं जो ज्ञान बता रहा हूं इस पर आश्रित होकर तत्वदर्शी संत से जो ज्ञान सुन लेगा उसको फिर तत्ब्रह्म का पता लग जाएगा।
गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है। तो यहां बताया कि उस तत्परम उस परमेश्वर के बारे में जानकर सारे कर्मों से परिचित हो जाने से फिर पूरे दातम ज्ञान से जो परिचित हो जाता है वो केवल इस बुढ़ापे वाले दुख से और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। तो सतलोक के अंदर ये दोनों नहीं, वहां सदा युवा शरीर मनुष्य प्राणी रहता है और मृत्यु कभी नहीं होती। ये दुख वहां दूर होगा। तो यहां गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्परम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम कि वो तत्परम कौन है, फिर क्या है वो तत्परम जिसके बारे में आप कह रहे हो। उसको समझने के बाद उसको जानने के उपरांत फिर केवल यहां की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता प्राणी, केवल जरा और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता के अन्नदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये 3रे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है, एक सर्वरूप सर्वब्रह्म है, ये ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, यो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है और परम अक्षर ब्रह्म और ऑल कंट्रोलर है। तो परम अक्षर ब्रह्म ये पूरे सभी ब्रह्मांडों के ऊपर 21 ब्रह्मांड काल के 7 संग ब्रह्मांड इस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के अक्षर ब्रह्म के ऊपर ये परम अक्षर ब्रह्म परम अक्षर पुरुष ये ओवरऑल कंट्रोलर सबका मालिक कुल धनी है। तो वो असंग ब्रह्मांड का राम है। अब वही राम वही परमात्मा वही अल्लाह वही खुदा वो गॉड बनारस में भारतवर्ष की पवित्र भूमि पवित्र शहर काशी में एक जुलाहे की भूमिका करते हुए 120 वर्ष तक रहे। वो कबीर जुलाहा नाम से सुप्रसिद्ध हुए लेकिन वो परमात्मा थे, वो भगवान थे, सबके कुल मालिक थे। लेकिन हम इस अज्ञान के कारण और नकली संतों के द्वारा भ्रमित की हो जाने के कारण अपने उस मालिक को हम पहचान नहीं सके। उस परमेश्वर ने उसे में आकर के वो लीलाएं की थी जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीलाएं किया करता है और उनकी लीलाएं आज सब सदग्रंथों से मिलती है। ये लक्षण है उस परमात्मा के, ये गुण है उस भगवान के जो कबीर देव ने कबीर साहब ने अपने लीला जीवन काल में जो लीलाएं की वो सब सदग्रंथ वेद उसका प्रमाण करते हैं भगवान ऐसे ही क्या करता है। अब हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है। वो कौन है वो परमात्मा, कैसा है वो परमात्मा और उसके पाने की विधि कौन सी है। राम नाम रटते रहो। एक तो राम है ब्रह्मा विष्णु शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये भी भगवान है सब स्वामी है। इनका जो जाप जपोगे तो इन्हीं के लोक में जाओगे, मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए हमने कौन से राम का जाप करना है और उसका कौन नाम है जाप करने का वो चुनना है। आज सुबह के सत्संग में बताया था गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम।
कहता है मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है सिमरण उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक यह प्रयाति तजंदेहम यानी शरीर छोड़ने तक आखिरी श्वास तक जो इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है सहयाति परमाम गति वो मेरे वाली गति को ओम नाम के जाप से ब्रह्म की साधना से जो गति होती है उसको प्राप्त होगा, और अपने वाली गति को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ये उद्दार व्यक्ति नेक आत्मा ज्ञानी हैं तो अच्छी आत्माएं, लेकिन ये भी मेरे वाली अनुतमाम गति में अश्रेष्ठ गति में घटिया गति में व्यवस्थित हैं। पुनात्माओं हम गीता जी का नित पाठ किया करते थे, नित्य पाठ किया करते थे, गीता जी के संस्कृत को पढ़ा करते थे। वैसे तो हिंदी भी थी, अनुवाद हिंदी में भी किया हुआ था, लेकिन पाठ के लिए केवल वो संस्कृत वाले ही हम पढ़ा करते थे, और हमारे समझ में कुछ नहीं आता था फिर भी हम रुचि से पढ़ा करते थे, डेली पढ़ा करते थे, क्योंकि एक ज्ञान यज्ञ होती है जिसको स्वाध्याय बोलते हैं, उस स्वाध्याय का भी बहुत फल होता है। तो जी इसके उद्देश्य से स्वाध्याय करने के लिए हम गीता जी का नित पाठ किया करते थे, और गीता जी का नित पाठ करने से हम अपना कल्याण मानते थे। अब हमें ज्ञान हुआ कि गीता जी का नित पाठ करने से कल्याण नहीं होगा, धार्मिक ग्रंथों को जो सदग्रंथ हैं उनको पठन पाठन का लाभ तो होता है लेकिन उससे कल्याण यानी मोक्ष नहीं होता। उस सदग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या संदेश है भगवान का परमात्मा का लेखक का, उसके अनुसार अपना आचरण अपनी क्रियाएं सुचारू करने से कल्याण होगा, उसके पढ़ने मात्र से ही तो केवल पढ़ते रहने से ज्ञान मोक्ष नहीं होगा। तो हम उसको डेली पढ़ा करते थे और कुछ समझ में नहीं आवा था, रोज रुचि से पढ़ते थे, आनंद सा महसूस करते थे, क्योंकि हमारे अंतःकरण में भगवान की चाह घनी थी। तो पुण्यात्मा आज वही श्रीमद् भगवत गीता जी आपके समक्ष है और ये दास उसका ट्रांसलेशन आपके समक्ष ही करके सुना रहा है। अब वो सदग्रंथ हमें क्या संदेश दे रहा है, और हम पहले साधना किया क्या करते, तो इसलिए आप जी को ये गीता जी का संदेश है रह रहकर आपके समक्ष किया जाएगा, जिससे आप जी को विश्वास होगा और वो जो गीता जी के रोज पढ़ने का जो लाभ था वो तो आपको होगा ही होगा, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ होगा। पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान है, और अभी तक हमने ये तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, हम अपनी जो क्रियाएं थी उन्हीं को सत मानते थे, किसी ने तो रट्टा ला रखा है हवन यज्ञ हवन कर लो बेड़ा पार हो जाएगा, एक गायत्री मंत्र, वैसे तो वो एक श्लोक है एक मंत्र है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, और इन नाड़ियों ने परमात्मा के द्वारा बनाए गए उस अनमोल वचन को बिगाड़ दिया, आगे ओम नाम ला के ओम लगा के। परमात्मा कोई बालक नहीं अनजान नहीं, जैसे किसी मोटर कार बनाने वाली एजेंसी ने फैक्ट्री ने कंपनी ने मोटर कार या इसका पिस्टन बना रखा है मोटरसाइकिल का या कार का, और कोई उसमें चतुरता करता है उसके एक नट वेल्ड करके नहीं का ये अब ये ज्यादा एफिशिएंट हो गया है,
उस नालायक ने तो बिगाड़ दिया, उसका फंक्शन खत्म कर दिया। कंपनी ने कोई अनजान नहीं जो इतना कुछ अपना सामान जोड़े बैठे हैं, वो बालक थोड़े ही। तो इसी प्रकार जो परमात्मा ने अपने वचन बोले हैं, दिए थे इस काल ने आगे बोले हैं, उन वचनों को बिगाड़ना, बिगाड़ करके अपनी चतुरता दिखा के नालायकों ने उस गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 मंत्र नंबर 3 को बिगाड़ के गायत्री नाम लिख दिया। और इस दास से पहले किसी को ये नहीं मालूम था यो गायत्री मंत्र है के सांग से घोटा घोटा करती, ये ऋषि मैं ऋषि भी। इस दास के ऊपर कृपा की, परमेश्वर ने अपना खजाना खोल दिया। दास का मोतियाबिंद अज्ञान रूपी जो मोतियाबिंद, उसका ऑपरेशन कर दिया प्रभु ने। तो इस गायत्री मंत्र के आगे ओम नाम ला के ओम भूर्भुवः स्वः इन जाप करा करते थे नहीं, और कहते थे इससे मोक्ष होगा, हवन यज्ञ कर लो। पुणात्माओं, पहले तो हम ये देखें कि एक किसी मंत्र का बार बार जो आवर्ती करने से, रिपीटेशन करने से क्या लाभ होगा। जैसे बिजली के गुणों में लिखा है कि बिजली पंखा चलाती है, बिजली कूलर चलाती है, बिजली पानी निकाल देती है जमीन से, मोटर ट्यूबवेल चलाती है, आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, और बड़े बड़े फैक्ट्रियां चलाती है, ठीक है। इसको चाहे संस्कृत में लिख लो, चाहे हिंदी में या अंग्रेजी में, ये गुण है बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के। और इनको डेली पर ढेंजा, डेली पर ढेंजा, बिजली पंखा चलाती है, कूलर चलाती है, दूध बिलो देती है, दूध रिड़क देती है, भाई आटा पीस देती है, ऐसे ऐसे। अब उससे क्या लाभ होगा? उसे तो जानकारी हुई है कि बिजली ऐसे काम की चीज है। अब वो पावर मिला कर वो हमारे घर में काम करे कैसे, ये विधि न्यारी है। उसके लिए से प्रोसीजर है, एक फॉर्म लो, उसके सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो, बिजली वाले महकमे में जाओ, वहां उनके जो भी पैसे जमा कराने हैं उनके वो सिक्योरिटी जमा कराओ, और जो फॉर्मेलिटी पूरी करो फिर वो कनेक्शन मिल जाएगा। फिर वो बिजली डेली वो एक काम करेगी जो रोज पढ़ा करते हैं। तो ये गायत्री जो मंत्र है, ये प्रभु परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के गुणों का गान करता है। वो परमात्मा स्वयंभू है, सबसे पहला परमात्मा है। और हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को अपने चरणों में लगाए रखना, हम आपका गुणगान करते रहें। आप पूर्ण परमात्मा हो, आप सुखदाई हो, ये अर्थ बनता है इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के श्लोक नंबर 3 का, मंत्र नंबर 3 का। और इसको हम डेली रोज पढ़ लें श्लोक को, भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे तो परमात्मा के गुणों का ज्ञान हो रहा है। अब वो परमात्मा जो सुखदेव, वो कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, तो सतगुरु संत बताया करते हैं। अभी आपने ये शब्द सुना कि और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे, और केस हो गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। तो उस परमात्मा के पाने के लिए संतों को, यानी परम तत्वदर्शी संत की खोज कर, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में यह स्पष्ट किया है कि इस वेद ज्ञान दाता से कोई और ज्ञान है, और ही कोई संत बताएगा, और वेदों से भी अलग से वो ज्ञान होगा, इंक्लूडिंग वेद भी होगा। अब जो दास आपको बताना चाहता है कि कोई तो केवल एक हवन यज्ञ करके और गायत्री मंत्र का जाप करके अपने आप को मोक्ष, अपना कल्याण मानता है, कोई कोई मंत्र जाप करके, कोई मंत्र, कोई भूर्भुव ओम नमः शिवाय, कोई वासु ओम वासुदेव नमो,
इस तरह के ये अपने मनगढ़ंत कथाएं मनगढ़ंत मंत्र बनाकर मनमान्य आचरण कर रहे हैं। हम मान लीजिए आप हवन यज्ञ करते हैं, हवन भी एक यज्ञ होगी, फिर डेली मान लीजिए गीता जी का पाठ करते हो वो भी एक यज्ञ होगी, वो ज्ञान यज्ञ होती है। और इस जिसको गायत्री मंत्र कहा करते यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का श्लोक नंबर 3, इसका बार बार पढ़ने से भी ज्ञान यज्ञ ही होती है। अब मोक्ष मार्ग में ज्ञान या यज्ञ कितना काम करती है, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बढ़री खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बढ़री खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई ही न पूजे इन झूठो जगपतिया सी, साचा सतगुरु कोई ही न पूजे झूठो जगपतिया सी, अंधे की बा गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पयू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, है जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अब इसमें पुण्यात्माओं बताया कि जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बढ़ रही खांसी, ओए होए। अपुनात्मा हम सभी को जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। इस जन्म मृत्यु के रोग को काटने में हमने कौन कौन सी औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी, उनमें से ये यज्ञ भी एक सहयोगी है। जैसे कोई दीर्घ रोगी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सबसे पहले जाते ही उसके ग्लूकोज लगा देता है और ऑक्सीजन लगा देता है, तो वो ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज रोग नाशक नहीं है, वो तो शरीर को मेंटेन रख सकते हैं कुछ समय तक, और फिर उस रोग के काटने का जिसके कारण वो वीक हुआ है,
जिसके कारण वो इतना असहाय हो गया है, उठाकर ले गए हैं, वो रोग ढूंढेगा डॉक्टर, उस रोग का फिर अलग से और ट्रीटमेंट है, वो टेबलेट्स न्यारी है, इंजेक्शन न्यारे है, वो प्रोसीजर उस ग्लूकोज से अलग है। तो पुण्यात्माओं, इस जन्म मरण के रोग को काटने के लिए, समाप्त करवाने के लिए ये यज्ञ, पांच यज्ञ है, ये ग्लूकोज का काम करती है। एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान यानी मेडिटेशन जिसको कहते हैं, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम। और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ है। इन पांचों की भी अति आवश्यकता है, क्योंकि हम चौथे युग में आ लिए, आखिरी स्टेज आएगी हमारी इस जीव की, इस रोग की। पहले थोड़े बहुत सतयुग में इतने दुखी नहीं थे प्राणी, पुण्य थे ज्यादा, त्रेता में भी कुछ अक्षीण हुए, पुण्य अक्षीण हुए, पाप बढ़ गए, फिर द्वापर में, अब त्रेता इस कलयुग में आके तो भट्ठा बैठ गया हमारा, कत्ती हम बहुत ज्यादा तंग हो गए। हम वैसे नजर आते हैं आप जी ने, ये सब कार कोठिया में सैर सपट्टे करते, किसी के चैन नहीं दिन रात, किसी को भी इतनी भी चैन नहीं है, कोई राष्ट्रपति बना हुआ है, कोई शारीरिक कष्ट है या मानसिक परेशानी, कोई घर में परिवार में कोई दुख है, या राजकाज में कोई अधिकारी अन्य कोई पता नहीं किस प्रकार का कोई सेध रहा, दुखी कर रहा है। तो कहने का भाव यह है कि अब ये पांचों यज्ञ यानी ये ग्लूकोज अवश्य लानी होंगी, और जब तक हॉस्पिटल में रहेगा यानी स्वस्थ नहीं होता तब तक ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। हम इतने कमजोर हो गए, हम इतने कर्महीन हो गए, हम इतने पुनों से अक्षीण हो गए, तो ये पांचों यज्ञ आप जी के द्वारा यहां करवाई जाती है। आप देख रहे हो एक यज्ञ है धर्म की, आप जी का जो दान किया हुआ पैसा, ये यहाँ धर्म यज्ञ भंडारा चलता है, ये शेड बनाया गया है आप जी के लिए, पंखे लाए गए हैं, मैट बिछाए गए हैं, ये धर्म यज्ञ है। एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान। अब हम ध्यान मेडिटेशन जो कहा करते थे वो ध्यान यहाँ संत मते में वो मेडिटेशन नहीं है। ध्यान मीन परमात्मा की तरफ एक विशेष टेंशन बन जाना, जैसे किसी का कोई काम की टेंशन बन जाती है तो कितना कोशिश कर ले एक मिनट में वहीं पर दिमाग की सुई वहीं जा लेगी, मन की सुई। तो इसी प्रकार हम शरीर संसारी कार्य करते हुए भी और यहाँ सत्संग सुनते हुए तो कहना ही क्या, सीधा टारगेट परमात्मा में ही हमारा ध्यान रहता है, उसी में मेडिटेशन हो रहा है। तीसरी यज्ञ है हवन की, यहाँ पर आप जी के द्वारा जो भी ज्योति के लिए, ज्योति होते हवन को पैसा दिया जाता है और आप जी अखंड पाठ करवाते हैं। अब जितने भी पाठ होते हैं, जैसे अब के बार पिछली बार 250 पाठ थे, यानी 2.5 क्विंटल देसी घी का हवन हुआ, अब के 200 पाठ हैं, 2 क्विंटल घी का वो सामने हवन हो रहा है। तो पर ऐसे ये हवन यज्ञ है, सबका मिलजुल कर हवन हो रहा है, आप जी को जिनका इसमें योगदान है सबको इसका लाभ मिल रहा है, जिसने उस एवरेज रेशो में दान आपका सबको उसका एवरेज रेशो में पुण्य मिलेगा।
जिन पाठ के अतिरिक्त भी हम अलग से हवन करते रहते हैं, अलग से ज्योति जगाते हैं, वो आप सब जी का उसमें योगदान होता है। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हैं, ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक पुण्य है। और पांचवी यज्ञ है या ज्ञान की। तो ये ज्ञान, पांचों यज्ञ भी आवश्यक हैं, ये ग्लूकोस भी जरूरी है, अति आवश्यक है हमारे लिए। हम बहुत पाप पुण्य कर्महीन हो गए और पाप गढ़े बढ़ गए, तो हमने पुण्यों को बढ़ाना है अपने को। तो इस प्रकार इस दीर्घ रोग जन्म मृत्यु के रोग को काटने के लिए हमने ये सब क्रियाएं करनी पड़ेगी। तो कहने का भाव यह है कि कोई कुछ साधना करता था, कोई कुछ साधना करता, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक बताया कि कोई तो स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत अहिंसावादी ही होता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैर घूमता रहता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, सभी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक मानते हैं। फिर कहा कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से जो ज्ञान उच्चारण, जो ज्ञान दिया है, उसको कबीर वाणी बोलते हैं। उस कबीर वाणी के अंदर इस पर बहुत प्रकार के यज्ञ विस्तार से कहे गए हैं, उनके करने से तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, यानी गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। तो ये दास वो तत्वदर्शी संत परमेश्वर ने बना दिया और अब ये ज्ञान भी आपके समझ में आ जाएगा, डिफरेंस भी आपके समझ में खूब आ जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम गीता जी का नित पाठ किया करते थे और हमें यह भी नहीं मालूम था इसमें कह के रखा, फिर भी रुचि से किया करते थे, नागा नहीं करते थे। तो वही गीता जी आज हमें के बताना चाहती है, आज हम इसको समझेंगे, समझकर फिर जो गीता जी संदेश दे रही है वो वैसे करेंगे तो कल्याण होगा, अवश्यमेव होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि ये सदग्रंथ कोई बालकों के लिखे हुए नहीं है, ये किसी नावलिस्ट की लिखी हुए नावल नहीं है, ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के द्वारा दिया गया ज्ञान। लेकिन इस काल ने, इस ब्रह्म ने, इस सर्ब्रह्म ने हेरा फेरी कर दी, थोड़ी सी गलती कर दी। परमात्मा ने इसको कंप्लीट नॉलेज दिया था कि ये मेरी आत्माओं को सारा ज्ञान दे देगा, ये फिर समझ कर मेरे पास वापस आ जाएंगी। इसने ये 4 वेद तो दे दिए जिसमें गोलमोल सा ज्ञान है, 5वां वेद जो परम अक्षर ब्रह्म ने खुद आके देना पड़ा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जिसने काशी बनारस में आना पड़ा, एक दुलाई की भूमिका करते हुए तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की और अपने मुखारविंद से कबीर वाणी बोली जो आज दास आपको बता रहा है। आज ये दास आपके सामने सार्वजनिक कर रहा है, सबसे ग्रंथों से मिला रहे हैं जो 100% सत्य सिद्ध हो रही है। उस सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान विस्तार से कहा गया है। तो पुण्यात्माओं, गीता ज्ञान दाता ये भी जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं,
मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। ये नहीं है कि ये राजा लोग और तू और मैं पहले ना जन्मे थे, तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभुओं की, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों परमात्माओं का भिन्न भिन्न ज्ञान दिया हुआ है और वही वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक धर्म आविष्य विवृति अवैश्वर है। वो परम पुरुषोत्तम यानी सही भगवान उत्तम परमात्मा तो कोई और है जो 16वें श्लोक से में वर्णित सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से भी न्यारा है और वही वास्तव में अविनाशी है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही करता है और निमित किसी को बना देता है। तो पुण्यात्माओं, हम गीता जी के ज्ञान को जैसे पहले पढ़ा करते थे डेली, तो ऐसे ही आप जी को गीता जी का ज्ञान समझाया जाएगा। ज्ञान यज्ञ का फल तो होगा ही होगा, लेकिन वो तत्व ज्ञान रूपी दीपक भी आपका प्रज्वलित होगा। उस तत्व ज्ञान के की रोशनी में फिर आप भटक नहीं सकते, रास्ता भ्रमित नहीं होगे, रास्ते से विचलित नहीं हो सकते। हमने अभी तक लोक वेद सुन रखा था। लोक वेद में हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर व अमर जाना था। इनके कोई माता पिता ने यही सुना था, यही कुल मालिक सब ब्रह्मांडों के मालिक सारी सृष्टि के रचनहार हमने ऐसा सुना और जाना था उस लोक वेद के आधार से। और जो पूजाएं हम क्या करते थे, तीर्थों व्रतों व्रत करते थे, तीर्थों में जाते थे, मंदिरों में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, उसी को हम फाइनल हनुमान जी की पूजा करते थे, व्रत रखते थे मंगलवार का जैसे वैसे, और अपने मनमुखी नाम जाप करते थे, हरे राम राधे श्याम सीता राम राधे राधे श्याम मिला दे। ये सब लोक वेद था, ये मनमाना आचरण था, मनमानी पूजाएं थी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में जिसे कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनको सुख होता, ना उनकी गति होती, ना ही कोई उनका उनको सिद्धि प्राप्त होती, अर्थात व्यर्थ यूजलेस। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।